बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में अनामिका नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी। कुछ समय पहले एक दुर्घटना में अनामिका के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से अनामिका अनाथ हो गई। किसी भी रिश्तेदार ने अनामिका को सहारा नहीं दिया। बेचारे अनामिका एक सड़क के किनारे बैठकर नेल पॉलिश बेचा करती थी। अगर नेल पॉलिश बिक जाया करती तो वो खाना खा लिया करती थी, अगर नहीं बिकती तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इसी तरह कठिनाइयों से भरी अनामिका की जिंदगी गुजर बसर हो रही थी। हमेशा की तरह आज भी अनामिका नेल पॉलिश बेचने जाती है। आंटी जी, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर की नेल पॉलिश है, अगर आप इन्हें दुकान से खरीदने जाएंगी तो यही आपको 100 रुपए की मिलेगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ 50 रुपए में दे रही हूँ, मुझसे खरीद लीजिए। अगर आप मुझसे नेल पॉलिश नहीं खरीदेंगी तो मुझे आज भी खाना नहीं मिलेगा। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया क्योंकि 2 दिन से मेरी एक भी नेल पॉलिश नहीं बिक रही। क्या लड़की, मैं तुझे फुटपाथ से नेल पॉलिश खरीदने वाली नजर आ रही हूँ। मैं ब्रांडेड नेल पॉलिश खरीदती हूँ, तुम्हारी जैसे लोकल नेल पॉलिश नहीं खरीदती। अगर तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो मैं क्या करूँ, मुझसे क्या, तुम जिंदगी भर भूखी रहो। ऐसे दुत्कार कर वह औरत वहाँ से चली जाती है। अनामिका को बहुत तेज भूख लगी थी। अनामिका सब लड़की औरतों को देख रही थी, कोई तो उसकी नेल पॉलिश खरीदने यहाँ आए और वह उन पैसों से कुछ खा सके, लेकिन कोई भी अनामिका के पास उसकी नेल पॉलिश खरीदने नहीं आता। अनामिका बहुत उदास हो जाती। तभी अनामिका की नजर एक रोटी पर जाती है जिसे एक कुत्ता छोड़कर जाता है। अनामिका सोचती है क्यों ना वह इस रोटी को खा ले, इस कुत्ते की जिंदगी मुझसे बेहतर है, कम से कम इसे सड़क के किनारे खाना तो मिल जाता है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मैं इस झूठी रोटी को खा लूं? मुझे नहीं लगता आज मेरी एक भी नेल पॉलिश बिक पाएगी, मुझे रोटी को खा लेनी चाहिए वरना दूसरा कुत्ता आकर इसे खा जाएगा। ऐसा सोचकर अनामिका उस रोटी को खाने जा रही थी, तभी अनामिका के पास एक लड़की अपनी माँ के साथ अनामिका की नेल पॉलिश खरीदने आती है। सुनो लड़की, ये नेल पॉलिश कितने की है? मेरी बेटी को तुम्हारी नेल पॉलिश पसंद आ रही है। मैंने उससे कहा कि मैं उसे ब्रांडेड नेल पॉलिश दिला देती हूँ, लेकिन कह रही है कि उसे ये कलर पसंद है। बताओ कितने की है? उस औरत की बातें सुनकर अनामिका खुश हो जाती है और वह खुश होकर कहती है आंटी जी, ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 50 रुपए की एक है। 50 रुपए की एक फुटपाथ पर? नहीं नहीं, 50 रुपए की 3 देनी है तो बात करो वरना रहने दो। अगर 50 रुपए केक मैं तुमसे खरीद लूंगी तो मैं अपनी बेटी को ब्रांडेड ही ना दिला दूं। चलो बेटा यहाँ से, बहुत महंगी दे रही है। तभी अनामिका सोचती है कि 50 की 3 ही दे देती हूँ, कम से कम आज खाना तो खा पाऊंगी, वरना तो उसे कुत्ते की झूठी रोटी खानी पड़ेगी। ऐसा सोचकर अनामिका 50 रुपए की 3 नेल पॉलिश दे देती है और जो पैसे उसे मिलते हैं उनसे अपने लिए खाना लेकर घर जा रही थी। तभी अनामिका को रास्ते में एक बच्चा रोता हुआ मिलता है। अनामिका उसके पास जाती है और उससे कहती है, सुनो बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? तुम अकेले हो यहाँ पर? तुम्हारे माता पिताजी कहाँ हैं? क्या तुम गुम हो गए हो? पता नहीं मेरे माता पिताजी कहाँ हैं, लेकिन मैं 2 दिन से ऐसे ही भटक रहा हूँ। मैं अपने चाची के घर रहता था, लेकिन उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने माता पिताजी को कभी नहीं देखा। उस बच्चे की बात सुनकर अनामिका समझ जाती है कि वो भी उसी की तरह अनाथ है और उसकी चाची ने उसे अपने घर से निकाल दिया। तभी अनामिका कहती है, कोई बात नहीं, मेरा भी कोई नहीं है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। ऐसा कहकर अनामिका उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाती है और अनामिका ने जो खाना अपने लिए खरीदा था उसमें से थोड़ा खुद खाती है और बाकी का सब उस बच्चे को खिला देती है। खाना खिलाने के बाद अनामिका उस बच्चे से उसका नाम पूछती है। अब तुम मेरे भाई बन चुके हो, लेकिन तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है? और मुझे बताओ कि तुम्हारी चाची ने तुम्हें अपने घर से क्यों निकाला? दीदी, मेरा नाम अशोक है,
दीदी आप बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया। चाची के घर पर तो सिर्फ दो दिन में एक ही बार मिलता था और वो मुझसे बहुत ज्यादा काम कराती थी। एक दिन मैंने उनका काम नहीं किया, उसी की वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। दीदी वो मुझे बहुत मारती भी थी। ऐसा कहकर अशोक रोने लग जाता है। तभी अनामिका उसे अपने गले लगाती है और उससे कहती है, नहीं मेरे प्यारे भाई, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन है ना, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर अनामिका सुबह को दोबारा से नेल पॉलिश बेचने के लिए जाती है। अब अनामिका के ऊपर अशोक की भी जिम्मेदारी आ चुकी थी, इसलिए अनामिका नेल पॉलिश अब फुटपाथ पर नहीं बल्कि गली गली जाकर आवाज लगाकर बेचना शुरू कर देती है। नेल पॉलिश ले लो, बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश है, लाल, हरी, पीली, नीली, हर कलर की नेल पॉलिश है। एक बार लगाकर तो देखिए, आपके हाथ बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे। नेल पॉलिश ले लो, बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश ले लो। इसी तरह आवाज लगाकर अनामिका इतनी तेज धूप में नंगे पैर एक गली से दूसरी गली नेल पॉलिश बेच रही थी। इस तरह से अनामिका की कुछ नेल पॉलिश बिक जाती है। उन पैसों से अनामिका खाना लेकर जाती है और दोनों भाई बहन बहुत खुशी खुशी उस खाने को खाकर सो जाते हैं। इसी तरह रोज अनामिका नेल पॉलिश बेचकर अपना और अशोक का पालन पोषण कर रही थी। समय बीत रहा था। एक दिन अनामिका की सभी नेल पॉलिश खत्म हो जाती हैं। अब अनामिका को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। अनामिका एक तरफ उदास बैठी थी, तभी अशोक उसके पास आता है और अनामिका से कहता है, दीदी बहुत समय हो गया, आप आज नेल पॉलिश बेचने नहीं जा रही, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? मुझे बताओ क्या परेशानी है? अशोक मेरे प्यारे भाई, मेरे पास जितनी भी नेल पॉलिश थी सब बिक चुकी है। अब मेरे पास पैसे नहीं कि मैं और नेल पॉलिश खरीद कर उन्हें बेच पाऊँ। अब हम दोनों क्या खाएंगे? नेल पॉलिश बेच कर ही तो हमारा गुजारा चल रहा था, लगता है भीख मांग कर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। नहीं दीदी, हम भीख नहीं मांगेंगे, आप नेल पॉलिश ही बेचेंगी। मगर कैसे मेरे प्यारे भाई, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है नेल पॉलिश लाने के लिए। दीदी आपको पता है, जब आप नेल पॉलिश बेचने जाती थी तो मैं बाहर खेलने के लिए जंगल में जाता था। तभी मैंने एक नदी देखी, वहाँ पर एक झरना था जहाँ से बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश आ रही थी। यह देखकर मैं दंग रह गया। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता था लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए आखिर उस झरने से नेल पॉलिश कहाँ से आ रही थी। सच में तुमने नेल पॉलिश का झरना देखा? फिर तो हमें वहाँ जाकर जरूर देखना चाहिए। ऐसा कहकर अनामिका अशोक के साथ उस झरने के पास चली जाती है। वहाँ जाकर अनामिका देखती है झरने से बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश नीचे गिर रही हैं, जिन्हें देखकर अनामिका भी चौंक जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर सुंदर और इतनी ज्यादा नेल पॉलिश, ये तो झरने से बहकर नदी में आ रही है। इतनी ज्यादा सुंदर नेल पॉलिश मैंने कभी नहीं देखी। अनामिका ऐसा कह ही रही थी तभी उस झरने से आवाज आती है, मैं जादुई नेल पॉलिश का झरना हूँ और मैं अपने सभी नेल पॉलिश उसे देता हूँ जो नेक दिल और ईमानदार के साथ साथ दूसरों की मदद करते हैं। तुम मुझे अपनी कोई ऐसी सच्चाई बताओ जिससे तुमने किसी दूसरे का फायदा किया हो, तभी मैं अपनी जादुई नेल पॉलिश के झरने से तुम्हें बहुत सारे नेल पॉलिश दूंगा, वरना तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जादुई नेल पॉलिश के झरने के इतना कहते ही अशोक रोने लग जाता है और रोता हुआ जादुई नेल पॉलिश के झरने से कहता है, जादुई नेल पॉलिश के झरने, आपको पता है अनामिका दीदी कितनी अच्छी है, मैं उन्हें रास्ते में मिला था और उन्होंने मेरी देखभाल अपने सगे भाई जैसी की। अनामिका दीदी पहले मुझे खिलाती थी, उसके बाद खुद खाती थी। कभी कभी तो मेरी वजह से अनामिका दीदी को भूखा ही सोना पड़ता था। इतनी अच्छी है मेरी अनामिका दीदी। क्या आप उनकी अच्छाई जानकर उन्हें जादुई झरने की नेल पॉलिश दोगे हैं? अशोक की बातें सुनकर
जादुई नेल पॉलिश के झरने को उसकी बात पर यकीन आ जाता है और वह अपने जादुई झरने से नेल पॉलिश लेने की आज्ञा दे देता है। अनामिका, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुसीबत में एक अनाथ बच्चे की मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने जादुई नेल पॉलिश के झरने से बहुत सारी नेल पॉलिश देता हूँ। उससे तुम्हारी सभी दुख परेशानी दूर हो जाएंगी। अनामिका जादुई नेल पॉलिश के झरने की बातें सुनकर खुश हो जाती है और उसे धन्यवाद कहती है। अनामिका जादुई नेल पॉलिश के झरने से बहुत सारी नेल पॉलिश ले जाती है। सभी नेल पॉलिश बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, अलग अलग कलर की थी, जिसकी वजह से नेल पॉलिश तुरंत बिक जाती है। कुछ ही दिनों में अनामिका एक कॉस्मेटिक की शॉप खोलती है और सबसे ज्यादा अनामिका की नेल पॉलिश ही फेमस होती हैं। लड़की हो या औरत, हर कोई अनामिका से ही नेल पॉलिश खरीदना चाहता था। अनामिका की कॉस्मेटिक की शॉप के सामने एक बड़ी कॉस्मेटिक की शॉप थी, जिसे काजल नाम की एक लड़की चलाया करती थी। काजल के पास बहुत कम ग्राहक आया करते थे। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, जब से इस अनाथ लड़की ने मेरे सामने अपनी कॉस्मेटिक की शॉप खोली है, तब से मेरे ग्राहक तो बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। सबके सब इस अनामिका की बच्ची के पास जाते हैं। कुछ तो करना होगा, अगर मैं उसके शॉप को जला दूं तो कैसा रहेगा? काजल बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें इसकी कॉस्मेटिक की शॉप को जला देना चाहिए। उसके बाद सब ग्राहक तेरे ही पास आएंगे। वैसे भी इस करमजली की नेल पॉलिश बहुत ही ज्यादा सुंदर होती हैं। पता नहीं इसके पास इतनी ज्यादा सुंदर नेल पॉलिश कहाँ से आती हैं। तो दोनों माँ बेटी अनामिका के शॉप को जैसे ही जलाने वाली होती हैं, तभी शॉप से बाहर बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं और काजल को डस लेते हैं। काजल की तुरंत मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जादुई झरने की नेल पॉलिश बाहर निकल कर आती है और वह काजल की माँ से कहती है, तुम दोनों माँ बेटी अनामिका की शॉप को जलाकर उस बेचारी को सड़क पर लाना चाहती थी, लेकिन जब तक हम अनामिका के साथ हैं, तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा मिल चुकी है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना तुम भी अपनी जान से जाओगी जैसे तुम्हारी बेटी जा चुकी है। जादुई नेल पॉलिश की बातें सुनकर उर्मिला घबरा जाती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनामिका जादुई झरने की नेल पॉलिश बेच बेच कर बहुत अमीर हो जाती है और अपने जैसे अनाथ लोगों की बहुत मदद करती है। जादुई झरने की नेल पॉलिश की मदद से अब अनामिका और अशोक एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। बहुत समय पहले की बात है, उदयपुर नामक गाँव में आरोही अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले आरोही के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से आरोही अपने मामा मामी के घर रहा करती थी। आरोही की मामी सुरेखा आरोही को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसे बिल्कुल अपने घर की नौकरानी बनाकर रखती, उससे घर का सारा काम कराती। एक दिन आरोही का जन्मदिन था। आरोही बहुत खुशी खुशी अपनी मामी के पास आती है और सुरेखा से कहती है, मामी जी, आज मेरा जन्मदिन है। आपको पता है, मेरा जन्मदिन माता पिताजी बहुत धूमधाम से मनाते थे, पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाते थे और मुझे एक नई ड्रेस भी दिलाते थे। मामी जी, मेरे कपड़े बहुत पुराने हो गए और फट भी चुके हैं। आज मेरे जन्मदिन के दिन मुझे एक नई ड्रेस दिला दो। अगर आज तेरा जन्मदिन है तो मैं क्या करूं? और मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं जो मैं तुझे नई ड्रेस दिलाऊं और तेरा जन्मदिन की पार्टी करूं। तुझे मैंने अपने घर में रखा है, वही बड़ी बात है। अब क्या यहीं खड़ी रहेगी? घर में कितना काम पड़ा है, घर की सफाई होनी है, गंदे कपड़े धुलने हैं। महारानी को बस अपने जन्मदिन की पार्टी करनी है, कोई जन्मदिन की पार्टी वार्टी नहीं होगी। चल काम कर। ठीक है मामी जी। ऐसा कहकर आरोही उदास मन से आ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बहुत रोती है। माँ, आप जब जिंदा थी तो मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाया जाता था, और आज देखिए माँ, मैं अपने जन्मदिन वाले दिन घर का सारा काम कर रही हूँ। बर्तन साफ करने से लेकर कपड़े धोने तक। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है माँ? काश
उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आपके लोगों के साथ होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, मैं आप लोगों के साथ स्वर्ग में होती। माँ पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप लोगों को नहीं जाना चाहिए था। अगर आज आप दोनों जिंदा होते तो मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते और मुझे न्यू ड्रेस भी दिलाते माँ। ऐसा कहकर आरोही बहुत जोर जोर से रो रही थी, तभी आरोही को अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है। नहीं आरोही बेटा, ऐसे नहीं रोते, मुझे पता है सुरेखा तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करती है, तुमसे घर का सारा काम कराती है, खुद महारानी की तरह घर में आराम करती है, और आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम्हें एक नई ड्रेस भी नहीं दिला रही, उसके सीने में दिल नहीं है। मगर मेरी बच्ची, तू परेशान मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे नई ड्रेस चाहिए ना, तेरी माँ तुझे देगी, मैं तुझे एक जादुई नई ड्रेस देती हूँ। अरे वाह माँ, आप तो बहुत अच्छी हैं। आप मेरे साथ नहीं हो फिर भी आप मेरे जन्मदिन पर मुझे जादुई ड्रेस दे रही हैं। आप तो वाकई में बहुत अच्छी हैं माँ। हाँ बेटा, माँ की खुशी उसके बच्चों में ही होती है, और तू उदास है तो मुझसे कैसे देखा जाता। शाम को उस जादुई ड्रेस को पहनना, उसके बाद तू देखना क्या होता है। आरोही अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। आरोही खुशी खुशी पूरे घर का काम करती है जो सुरेखा उसे करने के लिए कहती है, और शाम हो जाने के बाद अपनी माँ की दी हुई जादुई ड्रेस को देखती है। अरे वाह, ये जादुई ड्रेस तो कितनी सुंदर है, मैं इसे जल्दी से पहन लेती हूँ। ऐसा कहकर आरोही उस जादुई ड्रेस को पहन लेती है। जैसे ही आरोही उस जादुई ड्रेस को पहनती है तो आरोही पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी आरोही देखती है तो उसके सामने एक बर्थडे केक भी होता है। केक को देखकर आरोही और भी ज्यादा खुश हो जाती है, अकेले ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है, और आरोही बहुत ज्यादा खुश थी। सुबह हो जाने के बाद सुरेखा आरोही को अपने पास बुलाती है। क्यों री नौकरानी, मैंने तो तेरा जन्मदिन मनाया भी नहीं, फिर तू इतनी खुश कैसे है? कुछ नहीं मामी जी, बस यूं ही। आज मेरी बेटी हॉस्टल से अदिति आ रही है, उसके रूम की अच्छे से सफाई कर देना, उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हाँ उसे समय पर खाना खाने की आदत है। मेरी बेटी को जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना मार मार के तेरा मुंह सुजा दूंगी अगर मेरी बेटी को तेरी वजह से कोई भी दिक्कत हुई तो। आई बात समझ में? मामी जी आप चिंता ना करें, मैं दीदी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, उन्हें यहाँ कुछ भी परेशानी नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर आरोही रूम की सफाई करने चली जाती है। तभी आरोही को एक आवाज आती है, वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि आरोही की जादुई ड्रेस से आ रही थी, जिसे आरोही ने उतार कर रख दिया था। आरोही तुम कहाँ जा रही हो? तुम इस जादुई ड्रेस को पहन लो, उसके बाद तुम्हें कुछ भी काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह जादुई ड्रेस है, इसकी मदद से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी, सब काम यह जादुई ड्रेस करेगी। आरोही जादुई ड्रेस की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे पहन लेती है। जैसा जादुई ड्रेस ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। आरोही को कुछ भी काम करना नहीं पड़ता, सिर्फ एक बार कहना पड़ता और वह काम तुरंत हो जाता। जादुई ड्रेस की मदद से आरोही सुकून की सांसें ले रही थी, लेकिन आरोही वह जादुई ड्रेस पहनकर सुरेखा के सामने नहीं जाती। अगर वह सुरेखा के सामने जाती तो सुरेखा उससे जादुई ड्रेस के बारे में पूछती, इसलिए आरोही छुप छुप कर ही उस जादुई ड्रेस को पहनकर काम करती। कुछ समय बाद सुरेखा की बेटी अदिति हॉस्टल से आ जाती है। मेरी बच्ची तू तो कितनी दुबली हो गई, कुछ खाती नहीं है क्या हॉस्टल में? अब मैं तुझे हॉस्टल में पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगी, तू मेरे पास रहेगी। देखो तो बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, सूख कर कांटा हो गई कांटा। नहीं मम्मी जी, सूख कर कांटा नहीं हुई, बस डाइट करती हूँ जिसकी वजह से मैं आपको ऐसी लग रही हूँ, मुझे ऐसा दिखना अच्छा लगता है। मम्मी जी आपने नई नौकरानी रख ली है क्या? हाँ बेटा ऐसा ही समझो, ये घर की नई नौकरानी है,
तुझे जो भी काम कराना हो इस नौकरानी से करा लेना। आधे रात को भी अगर तुझे किसी काम की जरूरत हो तो इस नौकरानी को बुला लेना, ठीक है मेरी बच्ची? ठीक है मम्मी जी, अब मुझे आराम करना है। ए नौकरानी, मेरे रूम में एक हेल्दी जूस लेकर आ। हेल्दी जूस के बारे में तो जानती होगी ना, वेजिटेबल से बना होना चाहिए, ठीक है नौकरानी? ठीक है दीदी, मैं आपके लिए वेजिटेबल जूस बना दूंगी, आप चिंता ना करें। ओह हेलो, मुझे दीदी कहने की जरूरत नहीं है, मैम साहब बोलो। माँ ने तुझे अपने सर पर चढ़ा रखा होगा, मैं नौकरों को अपने सर पर नहीं चढ़ाती, उनसे प्यार से थोड़ी बात क्या कर लो, खुद को घर का मालिक समझने लगते हैं। नौकरानी है नौकरानी बन के रहे। बेचारी आरोही पहले ही सुरेखा के अत्याचार से परेशान थी, अब उसे परेशान करने के लिए अदिति भी आ गई। लेकिन आरोही को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे काम करने में कोई परेशानी होगी, क्योंकि जादुई ड्रेस की मदद से आरोही सभी काम तुरंत कर देती, जिसकी वजह से आरोही पिटाई से बची रहती। एक दिन अदिति सुरेखा से कहती, मम्मी जी आपने इस नौकरानी पर ध्यान दिया है? हम इस नौकरानी को कितना काम करने के लिए देते हैं, कोई रोबोट भी इतना काम ना करे, लेकिन ये नौकरानी पता नहीं इसके पास ऐसी क्या चीज है जो तुरंत हर काम कर देती है, किसी काम को मना ही नहीं करती, आपको पता लगाना चाहिए। हाँ हाँ मेरी बच्ची, ये बात तो मैं भी नोटिस कर रही हूँ। पहले तो एक काम को ये है पूरे दिन में खत्म करती थी, जिसकी वजह से मुझसे बहुत पिटाई खाती थी, अब तो पिटाई खाने का काम ही नहीं कर रही। अब तो कोई भी काम बड़े से बड़ा क्यों ना बता दो, चाहे पूरे गांव का काम करा लो, तुरंत कर देगी। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं लग रहा मेरी बच्ची, पता लगाना पड़ेगा आखिर कहाँ है गड़बड़। ऐसा कहकर सुरेखा और अदिति यह पता लगाने के लिए आरोही इतनी जल्दी काम कैसे कर देती है दोनों जासूस बन जाती हैं। और एक दिन आरोही जादू ड्रेस पहनकर कह रही थी, ए जादू ड्रेस तुरंत घर की सफाई हो जाए। आरोही के इतना कहते ही घर पूरी तरह चमक जाता है रोज की तरह। अदिति और सुरेखा को पता चल जाता है कि आरोही के पास जादुई ड्रेस है। देखा मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था ना, इस नौकरानी के पास कोई ऐसी चीज है जिसकी मदद से घर का सारा काम कर रही है, अब आपने देखा इसके पास जादुई ड्रेस है। मम्मी जी ये जादुई ड्रेस कितनी सुंदर है, ये मुझे चाहिए, हम इस जादुई ड्रेस से बहुत अमीर हो सकते हैं, क्योंकि इससे जो भी कहो वो तुरंत हो जाता है, हम इस जादुई ड्रेस से हीरे और सोने मांगेंगे, ठीक है मम्मी जी? हाँ दीदी बेटा, तू कह तो बिल्कुल ठीक रही है, मैं अभी इस नौकरानी के पास जाती हूँ और इसे जादुई ड्रेस छीन कर लाती हूँ, तो रुक। ऐसा कहकर सुरेखा आरोही के पास जाती है और उससे जादुई ड्रेस मांगती है। क्यों करमजली, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है, हमने तुझे अपने घर में रखा और हमसे ही तूने इतनी बड़ी बात छुपाई, तेरे पास जादुई ड्रेस है और तूने हमें बताया भी नहीं, चल जल्दी से जादुई ड्रेस मुझे दे, मुझे मेरी बेटी को देनी है। नहीं नहीं मामी जी, ये जादुई ड्रेस मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि जादुई ड्रेस मेरी स्वर्गवासी माँ ने मुझे दी है, उनका आशीर्वाद है, मैं जादुई ड्रेस आपको नहीं दे सकती, चाहे आप मुझे कितना भी मार लो। आरोही वह जादुई ड्रेस देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अदिति और सुरेखा दोनों मिलकर आरोही से वह जादुई ड्रेस छीन लेती हैं। ले मेरी बच्ची जादुई ड्रेस, इसे पहनकर तू इस जादुई ड्रेस से हीरे सोने और बहुत सारे पैसे मांग, उसके बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे, फिर हम इस करमजली को अपने घर से बाहर निकाल सकेंगे, अब मैं इस करमजली को एक और दिन अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कहकर सुरेखा अदिति को वह जादुई ड्रेस दे देती है। जैसे ही अदिति वह जादुई ड्रेस पहनती है तो वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं और अदिति को डस लेते हैं, अदिति की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर सुरेखा बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। नहीं नहीं मेरी बच्ची, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, इस जादुई ड्रेस की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई, मेरी बच्ची अपनी आंखें खोल, तेरी माँ तेरे बिना कैसे जिएगी, मेरी बच्ची अपनी आंखें खोल। ऐसा कहकर सुरेखा रो रही थी, तभी जादुई ड्रेस से आवाज आती है, सुरेखा तुमने बेचारी आरोही के ऊपर
कितना अत्याचार किया, और जब आरोही की स्वर्गवासी माँ ने उसे जादुई ड्रेस दी तो तुमने उससे वह भी छीन ली। तुम्हें तुम्हारे के की सजा मिल गई, तुम इसी के काबिल थी। जादुई ड्रेस, मैं नहीं चाहती कि मामी जी को इतनी बड़ी सजा मिले। कृपया करके अदिति दीदी को जिंदा कर दो। वो जैसी भी है तो मेरी मामी ही। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उन्हें इतनी बड़ी सजा मिले। आरोही, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारी मामी ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं अदिति को जिंदा कर दूं। ठीक है, मैं अदिति को जिंदा कर देती हूँ। जादुई ड्रेस आरोही के कहने पर अदिति को बिल्कुल ठीक कर देती है, जिसे देखकर सुरेखा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और आरोही से माफी भी मांगती है। आरोही मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे ऊपर कितना अत्याचार किया। तेरे जन्मदिन पर तुझसे पूरे दिन काम कराया और तुझे एक नई ड्रेस भी नहीं दिलाई। तू चाहती तो मेरी बेटी को मरने देती, लेकिन आरोही तेरा दिल बहुत बड़ा है, तूने मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दिया। आज से मेरी एक बेटी नहीं, मेरी दो दो बेटियां हैं, आरोही और अदिति। आरोही सुरेखा की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और अब आरोही अपनी मामी और अदिति के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है।